हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 13 एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद एग्जांपल के साथ डिस्कस किया है, और इस वीडियो में हम इनवर्स प्रोपोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है व्युत्क्रम अनुपात, यानी उल्टा अनुपात। अब इनवर्स प्रोपोर्शन हमने यहाँ लिखा है, इसके डेफिनेशन संक्षिप्त रूप में लिखिए, शॉर्ट में लिखिए। टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन व्हेन, देखिए दो स्थिति यहां हमने लिखी है। पहली में ऑन इंक्रीजिंग एक्स वाई विल डिक्रीज, यानी एक्स का मान बढ़ेगा तो वाई का मान घटेगा। इसको हम मैथ में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। दूसरी कंडीशन में x की वैल्यू घटने पर y की वैल्यू बढ़ेगी, यानी डिक्रीजिंग ऑफ x y इंक्रीज। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, x के घटने पर y बढ़ेगा, या इसको हम यहां रखें तो x इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप समझ सकते हैं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, मीन्स अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करें सो एक्स वाई उधर आएगा हमारा कोई कांस्टेंट के। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप और समझ लेते हैं। x और y की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स वाई, और सामने आ गया हमारा 1। तो x और y यहां से कांस्टेंट, ये साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है k इंटू 1, दैट इज k आ गया, ये हमने लिख दिया है। तो एक्स वाई इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, यानी इन दो राशियों का प्रोडक्ट हमेशा एक स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्थिति में कई सारी समस्याएं हैं, कई सारी प्रॉब्लम है, तो उनमें दोनों ही राशियों का प्रोडक्ट गुणनफल आपस में इक्वल होगा, यानी केस वन में एक्स वन वाई वन इक्वल होगा, केस टू में एक्स टू वाई टू इक्वल होगा, केस थ्री में एक्स थ्री वाई थ्री। ये हम कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे आगे। इसका एग्जाम्पल है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन कहाँ हमें लगाना है। तो देखिए, अगर कोई कार है, किसी कार के केस में अगर उसकी स्पीड हम बढ़ाएंगे, यानी प्लस कर दिया गया, तो वो टाइम कम लेगी, लेस टाइम टू कंप्लीट जर्नी, यानी फॉर ए कार मोर स्पीड लेस टाइम टू कंप्लीट जर्नी, यानी अगर डिस्टेंस फिक्स हो, फिक्स डिस्टेंस है, स्पीड बढ़ाने पर वो उस डिस्टेंस को कम समय में तय करेगी। दूसरा एग्जाम्पल है फॉर ए कंस्ट्रक्शन, यानी अगर कोई हम मकान बना रहे हैं, कोई दीवार बनाई जा रही है, उसमें मोर वर्कर लेस टाइम टू कंप्लीट वर्क, यानी वर्करों की संख्या बढ़ाएंगे, मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे, तो उस काम को कंप्लीट करने में कम समय लगेगा। तो ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए अब एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, सिक्स पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 21 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ 7 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड। यानी पानी का टैंक है, उसको 6 पाइप से भरा जा रहा है, समय लग रहा है 21 मिनट। अगर उसी टैंक में 7 पाइप जोड़ दिए जाएं उसी तरह के, तो वही टैंक कितने समय में फिल होगा, भरेगा। तो देखिए, यहाँ हमने लिख दिया है पाइप से लिख दिया है, ये लाइन पाइप को इंडिकेट कर रही है, और ये टाइम को, तो टाइम ये वाला लाइन है। तो देखिए, जब हमारे पास 6 पाइप थे तो समय लग रहा था 21 मिनट, और जब पाइप 7 हो जाएंगे तो कितना समय लगेगा, वो हमने मान लिया एक्स मिनट लग रहा है। तो हमें लिख देंगे, लेट एक्स मिनट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हम समझते हैं। देखिए, सिंस मोर पाइप्स यूज्ड विल टेक लेस टाइम, सो दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। अब जब पाइपों की संख्या बढ़ा दी गई है, यानी प्लस कर दी गई है, तो समय जो लगेगा उस टाइम को भरने में कम लगेगा, तो यहां माइनस दिखाया गया है। देखिए, तो मोर पाइप लेस टाइम रिलेशन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में हमने बताया था कि ऐसे में जो क्वांटिटी होती है,
ये क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 इंटू 21 और 7 इंटू एक्स, ये आपस में दोनों इनकी वैल्यू इक्वल रहेगी यानी कॉन्स्टेंट रहेगी, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज कॉन्स्टेंट। एक्स वन वाई वन इक्वल टू होगा एक्स टू वाई टू के। तो देखिए हम क्या करेंगे, 7 इंटू एक्स की मल्टीप्लाई इक्वल होगी 6 इंटू 21 के, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी अब 6 इंटू 21 अपॉन में 7, 7 त्रिजा 21, एक्स की वैल्यू आ गई 6 इंटू 3 18 मिनट। जब हम चेक कर लेते हैं, देखिए 6 पाइप थे तो 20 मिनट लग रहे थे, पाइप बढ़ गए तो समय, देखिए समय भी घट गया है, तो पाइप बढ़े समय घट गया। इस तरह के क्वेश्चंस में होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके फ्रेंड्स।